भारत ऐसे ही लग रहा है कि बांग्लादेश के आगे जिस तरह है कि स्कूल बॉयज के अगेंस्ट खेल रही है। आई एम रियली सॉरी, लेकिन वी वर एक्सपेक्टिंग कि मज़ा आएगा, कांटेदार मैच होंगे, बांग्लादेश जो है पाकिस्तान को हरा के गया है, वाइट वॉश करके गया है, लेकिन उसके बाद जिस तरह की क्रिकेट वो जहाँ जाके खेल रहे हैं वो तो स्कूल बॉयज टफ है। टीम अगर आप ये समझ रहे हैं कि जो टेस्ट की टीम इतनी बड़ी टीम, T20 की इतनी हल्की टीम, नाम के हिसाब से बात कर रहा हूँ, प्लेयर तो सारे अच्छे, अगर वो नाम बड़े बड़े नहीं तो आपने क्या समझा बहुत सारी टीम है। सूर्य कुमार यादव के अंडर भारत की टीम ने पहला T20 खेला है बांग्लादेश के साथ, और उसमें जो वो टीम लेके चले हैं वो आगाज भी बड़ा जबरदस्त हुआ है भारत की तरफ से। लगता यही है कि भारत जिस तरह टेस्ट मैच में डोमिनेट किया है वो T20 सीरीज भी डोमिनेट करेगा। फिर बचता ही नहीं है ना कुछ पर आपका। फिर मयंक यादव का जो ओवर स्पेल था इट वाज वेरी गुड यार, इट वाज लाइक ही द गाय इज पेसी, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। मैं तो वेपन्स, क्योंकि ये पेस और यंग लड़के हो तो फिर बड़ा फर्क पड़ता है यार। फिर तो ऐसा निकलती है ना गेंद के आपकी अंदाजा आप सोच नहीं सकते, बिकॉज याद इट्स अ बोनस यार इफ यू हैव बॉलर्स लाइक मयंक यादव एंड उमरान मलिक इन योर लाइनअप, इट्स अ बोनस फॉर द कैप्टन। दैट भारत के दो मेन प्लेयर, दिग्गज प्लेयर जिन्होंने इन्होंने रूल किया पूरी दुनिया में, विराट कोहली, रोहित शर्मा, वो चले गए हैं, अब वो भी मौजूद नहीं है। सूर्य कुमार यादव रोहित शर्मा की जो रिटायरमेंट के बाद वो कैप्टनसी कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी जो है एक यंग लॉर्ड के साथ भारत ने इसी तरह हराया है बांग्लादेश को पहले T20 में कि जिस तरह कोई छोटे बच्चों को हरा रहा है। जो बैटिंग लाइनअप इतनी तगड़ी इंडिया की, उसके सामने अगर आप इतना कम टोटल देंगे तो भाई आप सारे मैचेस हारेंगे। तो खैर मैं पहले भी कह चुका हूं कि कोई मुकाबला ही नहीं है इस इंडिया की, इस टीम का भी कोई, बांग्लादेश की इस टीम का भी इंडिया से कोई मुकाबला नहीं। इंडिया की टीम बहुत ऊपर है और T20 तो एक ऐसा फॉर्मेट है जिसके वो वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, उनके पास जबरदस्त प्लेयर मौजूद है, जो आता है परफॉर्मेंस करता है। आप देखें माइंडसेट क्या चेंज किया है उन्होंने, कहा यार हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट लेवल के प्लेयर है तो हमें डिफरेंट लेवल अपना दिखाना ही पड़ेगा। ठीक, तो आज जो बैटिंग थी दोनों की डिफरेंट लेवल दिखाया, हर्षदीप सिंह को देख लें या चक्रवर्ती को देख लें, डिफरेंट लेवल पर खेल रहे हैं गेम को। तो ईमानदारी से बोलेगा मुझे इसका जवाब नहीं मिला, क्या ये बांग्लादेश की वही टीम है जिसने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करा था? बोर्ड ने लाइन ड्रॉ कर दी, इस तरह से हमें खेलना है तो हम मैं नहीं लेके आना चाहता, कल पाकिस्तान का टेस्ट है। तो उन्होंने देखे पांच और भी एक आध होगा, पांच छह प्लेयर सारे सिराज विराज साइड पे कर दिया यार, टेस्ट मैच है हमारा। तो इसके सीखा, ये सिर्फ सीखने के लिए है आपको। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है डबल न्यूज में। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच जो पहले T20 मैच खेला गया जिसमें भारत ने बांग्लादेश को पूरी तरह से ध्वस्त करके रख दिया। जी हाँ दोस्तों, एकदम ही एक तरफा मुकाबला था ये। भारत की युवा टीम ने पहले बांग्लादेश को सिर्फ 127 रन पर ऑल आउट कर दिया और फिर 12 ओवर में ही स्कोर को चेस कर लिया। भारत की खौफनाक बॉलिंग और जबरदस्त बैटिंग देखकर पाकिस्तान के क्रिकेटर्स और वहाँ की मीडिया दोनों हैरान है। क्या शानदार परफॉर्मेंस भारत की। भारत की इस युवा टीम ने साबित कर दिया है कि वो किसी भी चुनौती को हल्के में नहीं लेते हैं। दोस्तों जब पाकिस्तान मीडिया में इस पर चर्चा हो रही थी तो उनकी रिएक्शन देखने ही लायक थी। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पाकिस्तान की मीडिया और क्रिकेटर्स भारतीय टीम की इस परफॉर्मेंस को देखकर चौंक गए हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आइए आगे देखते हैं पाकिस्तान मीडिया की रिएक्शन। भारत ऐसे ही लग रहा है कि बांग्लादेश के आगे जिस तरह है कि स्कूल बॉयज के अगेंस्ट खेल रही है। आई एम रियली सॉरी, लेकिन वी वर एक्सपेक्टिंग कि मज़ा आएगा, कांटेदार मैच होंगे, बांग्लादेश जो है पाकिस्तान को हरा के गया है, वाइट वॉश करके गया है, लेकिन उसके बाद जिस तरह की क्रिकेट वो जहाँ जाके खेल रहे हैं वो तो स्कूल बॉयज टफ है। भारत के दो मेन प्लेयर, दिग्गज प्लेयर जिन्होंने इन्होंने रूल किया पूरी दुनिया में, विराट कोहली, रोहित शर्मा, वो चले गए हैं, अब वो भी मौजूद नहीं है। सूर्य कुमार यादव रोहित शर्मा की जो रिटायरमेंट के बाद वो कैप्टनसी कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी जो है एक यंग लॉर्ड के साथ भारत ने इसी तरह हराया है बांग्लादेश को पहले T20 में कि जिस तरह कोई छोटे बच्चों को हरा रहा है। वहां पे भारत की तरफ से एक प्रोफेशनल टीम है, हम बारहां बात करते आए हैं कि बहुत ज्यादा टैलेंट प्रोड्यूस हुआ है भारत की तरफ से। भारत ने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट पे काम किया है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है, उनको कंटिन्यूटी दी है उन प्लेयर्स को जो डिजर्व करते हैं, और इतना कॉम्पिटिशन हाई कर दिया है कि यहाँ पे प्लेयर निकलता जा रहा है। तो आई थिंक कूडोज टू भारत की टीम के, वो इस तरह ही खेल रहे हैं जिस तरह उनका खेलना चाहिए। किसी भी टीम के साथ जब वो खेलते हैं, ना सिर्फ बांग्लादेश के साथ, किसी भी टीम के अगेंस्ट खेलते हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं। और T20 तो एक ऐसा फॉर्मेट है जिसके वो वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, उनके पास जबरदस्त प्लेयर मौजूद है, जो आता है परफॉर्मेंस करता है। आज के मैच पे 127 रन पे जो है बांग्लादेश ढेर हो गया। और शांटू साहब, आप अगर ये समझते हैं कि इतने कम रन पे आपके स्पिनर्स या आपके फास्ट बॉलर वो करके देंगे, तो मेरे ख्याल में ये फास्ट बॉलर या बॉलर का कोई कसूर नहीं है। जो बैटिंग लाइनअप इतनी तगड़ी इंडिया की, उसके सामने अगर आप इतना कम टोटल देंगे तो भाई आप सारे मैचेस हारेंगे। तो खैर मैं पहले भी कह चुका हूं
कि कोई मुकाबला ही नहीं है इस इंडिया की इस टीम का भी, कोई बांग्लादेश की इस टीम का भी इंडिया से कोई मुकाबला नहीं, इंडिया की टीम बहुत ऊपर है। मैं ये कहूं कि यू नो उनका भी इतना कसूर नहीं है, जो सामने खेलने वाली टीम है आप वो भी देखिए वो कौन सी है, वो भारत की टीम है जिसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है, जिसका आईपीएल पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है और प्लेयर पे प्लेयर आ रहा है स्पेशली इस शॉर्टर फॉर्मेट के अंदर। फिर सूर्य कुमार यादव अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं, थ्रू आउट अच्छे डिसीजंस ले रहे हैं, यू नो जो नपी तुली जिस तरह उन्होंने रोहित शर्मा के बड़े क्लोज माने जाते थे, रोहित शर्मा इनको अपने पास पास रख के काफी कुछ सिखाया भी है। मुंबई इंडियंस के अंदर भी जब रोहित कैप्टन थे तो ये उनके अंडर खेलते थे और बड़े क्लोज क्लोज रहते थे और यू नो बड़ा अच्छा एक रिलेशनशिप था। सो ऑब्वियसली जब कप्तान के साथ और कप्तान भी इतना बड़ा कप्तान रोहित शर्मा जैसा और जो वर्ल्ड कप भी वो जीते हैं और उसके बाद 5 ट्रॉफीज उन्होंने आईपीएल की भी जीते हैं, जब आप उनके साथ समय बिताते हैं सो ऑब्वियसली आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। जबरदस्त बॉलिंग की अर्शदीप ने, 3 आउट किए और करीबन 14 रन देके उन्होंने 3 आउट किए, ये एक बहुत जबरदस्त स्टैट्स हैं किसी भी टीम के अगेंस्ट। और स्पेशली यू नो वो जब भी आते हैं बड़े बड़े लंबे गैप के बाद अर्शदीप आते हैं, बिल्कुल भी आसान नहीं होता है जब आप इतने अरसे से खेल ना रहे हो और यू नो आप आके अपने लेंथ और एरियाज को हिट करते हैं, आते साथ ही आप प्रोफेशनलिज्म दिखाते हैं, आप दिखाते हैं कि आप रेडी हैं, आप दिखाते हैं कि आप कहीं से भी रस्टी नहीं लग रहे, यही प्रोफेशनलिज्म है और बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स यही करते हैं। और दूसरी तरफ हम देखें कुछ प्लेयर्स हैं वो यही रोना रोते रहते हैं कि हमारी तो टेस्ट क्रिकेट नहीं हो रही, हम 8 महीने बाद खेल रहे हैं, हम 6 महीने बाद खेल रहे हैं, 5 महीने बाद खेल रहे हैं, एक्सक्यूजेस खत्म नहीं होते। तो जब तक एक्सक्यूजेस रहते हैं क्रिकेट ग्रो नहीं करती। ऑन दी अदर एंड ऐसे प्लेयर हैं जिस तरह अर्शदीप हैं, ये सब पांड्या हैं, 39 रन की जबरदस्त इनिंग खेली उन्होंने, लह में नजर आए, अच्छे शॉट खेले। उसी तरह अर्शदीप भी आप देखिए, संजू सैमसन देखिए, ये लोग भी कोई रोज रोज इंटरनेशनल मैच नहीं खेल रहे होते लेकिन ये प्रिपेयर होते हैं, इनको पता है कि इन लोगों को किस चीज की जरूरत है अगले आने वाले मैचेस के खिलाफ, ये अपनी प्रिपरेशन अगली आने वाली टीम को देख के करते हैं और रेडी रहते हैं। यही एक जॉब होती है प्रोफेशनल प्लेयर की, वो एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढते हैं, संभाल के रखा होता है, उनके पास प्लेयर्स मौजूद होते हैं। तो उनके दो सबसे सीनियर प्लेयर गए वर्ल्ड कप के बाद, विराट कोहली और रोहित शर्मा, लेकिन लग ही नहीं रहा कि वो टीम के अंदर मौजूद नहीं है। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि उनके पास बैकअप मौजूद है। बैकअप क्यों मौजूद है? क्योंकि जब रोहित और जब कोहली बुमराह खेल भी रहे होते हैं तो जो छोटी सीरीज आती हैं, जो मैंने इसे छोटी सीरीज, आई डोंट मीन टू डिसरिस्पेक्ट एनी क्रिकेट टीम, बट द थिंग इज रैंकिंग्स का बड़ा फर्क होता है। जब निचले दर्जे की टीम आती है रैंकिंग में तो वो मेक श्योर करते हैं अपने बड़े प्लेयर्स जो हैं वो ना खेले, वो बच्चों को जगह देते हैं, वो उनको आने देते हैं, वो उनको ग्रूम करते हैं। इसी वजह से जब सीनियर प्लेयर्स चले भी जाते हैं तो वो इतनी क्रिकेट यंगस्टर्स खेल गए होते हैं इंटरनेशनल कि दे आर रेडी, वो आके फौरन जगह ग्रैब करते हैं, इसलिए वो रीबिल्डिंग वाला जो एक नारा है वो इनको नहीं लगाना पड़ता, ये रेडी नजर आते हैं। ऑन दी अदर एंड जिन्होंने बच्चों को खेलने नहीं दिया होता, जिन सीनियर्स ने छोटों को जगह दी नहीं होती, जो नेपाल बांग्लादेश जिम्बाब्वे कोई टीम छोड़ते नहीं है, उन मुल्कों के साथ ये होता है कि उनके यंगस्टर्स प्रिपेयर नहीं होते हैं, तो जब उन पे बुरा फॉर्म आता है तो कोई प्रिपेयर भी नहीं होता, और इसी तरह जब वो चले जाएंगे टीम के अंदर से तो फिर बाद में यही बातें होती हैं कि हमारे पास कोई प्लेयर ही नहीं है। आप जो यू नो अभी तक तो देख के ऐसे लग रहा है कि ये भारत बिल्कुल स्कूल बॉयज की तरह ट्रीट कर रहा है बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को, बने और उसके बाद में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है इंडियन टीम में। आज विमेन का भी मैच था पहले, उसके बाद मेंस का मैच था, दोनों में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था। जब आपको सपोर्ट अच्छी मिलती है बोर्ड की तरफ से और उसके बाद कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है, बाय बर्थ भी होता है कुछ, और आपको सिखाया भी जाता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ट्रेनिंग ये नहीं है सिर्फ भागो और फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाओ, आपका जब बोर्ड चलता है तो सब कुछ लेके चलता है, जिसमें सिर्फ क्रिकेटर नहीं है, उनका वेलफेयर का काम होता है, उनकी फैमिलीज का काम होता है, उनके ट्रेनर्स का काम होता है, डाटा एनालिस्ट हो जाए, कोचिज हो जाए, सबका बोर्ड होता है। ये सिर्फ एक प्लेयर का बोर्ड नहीं होता, तो ये नज़र आ रिफ्लेक्शन है, ये 10 साल मेहनत की है BCCI ने, जिसके बाद ये रिजल्ट उनको प्रोड्यूस हो रहे हैं। उनको पता है कि नेक्स्ट वीक उनका टेस्ट मैच है न्यूजीलैंड से, जसवाल शुभमन गिल हो गए, जसप्रीत बुमराह हो गए, अक्षर पटेल हो गए, कुलदीप यादव हो गए, वो टीम का हिस्सा है, रोहित शर्मा जडेजा हो गए और साथ में विराट कोहली छोड़ा तो यही हो गए जो कि वर्ल्ड कप का हिस्सा थे, वो पार्ट नहीं थे, वो वन साइडेड मैच जीत गए। वो इसी तरह से नए प्लेयर्स को ग्रूम भी कर रहे हैं, डेवलप भी कर रहे हैं। बेंच में बैठ के कोई भी प्लेयर प्रोड्यूस नहीं होता ना डेवलप होता है, आपको खिलाना पड़ता है। बहुत सारे प्लेयर अभी भी नहीं खेल रहे, मतलब जो खेल सकते हैं, लेकिन क्या उन्होंने कभी एक टीम बनाई है अपनी और सूर्य कुमार यादव को दी है और उनसे कहा कि सर अब ये आपकी टीम है, आप खेलें। जब वर्ल्ड कप T20 का आएगा तो रेडी होंगे बहुत सारे प्लेयर,